प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि वो जीवित है और उसने हमें एक और मौका दिया है कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना स्तुति धन्यवाद कर सकें और खासकर उसके जो पवित्र वचन है उन पर हम मनन कर सकें। तो आइए हम इससे पहले कि प्रभु के वचन पर मनन करें अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपके धन्यवादी हैं कि आपने ये अवसर हमें दिया है कि हम एक बार फिर से आपके भवन में हैं और आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। हे प्रभु, होने दें कि हम इसे सुनें, इसे ग्रहण करें, इस पर चलें और अपने जीवन के द्वारा आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए जो हैं, यशाया उसका पहला अध्याय 1-9 तक, दूसरा जो भजन का हिस्सा है वो भजन 51-1-8, रोमियो 1:18-25 और मत्ती का सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 13-17 तक मैंने पढ़ा है थे। और आज का जो थीम है हमारी CNI की लेक्चरी के अनुसार, Our sins begin with refusing to hear God. Our sins begin with refusing to hear God. हमारे पापों का जो आरंभ है परमेश्वर की वाणी को अनसुना करने से शुरू होता है। हमारे पापों का जो आरंभ है या हमारे पापों की शुरुआत है परमेश्वर की वाणी को अनसुना करने से शुरू होता है। या कहें कि जब हम प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं तो पाप जो है अपने आप अपना काम करना शुरू कर देता है। तो जैसा वचन मैंने इससे बताया कि कौन कौन से हमारे सामने पढ़े गए हैं, तो यहाँ पर दो चीजें जो है इस टॉप थीम में बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला तो पाप है कि हमारे पाप शुरू होते हैं जब जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। लेकिन इसमें पहली चीज वो है कि जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं तब पाप हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो सुनना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये प्रभु का जो वचन हमें दिया गया है ये पढ़ने और सुनने और सुनाने के लिए हमें दिया गया है। और वर्तमान में अगर हम देखें जाए संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं पे भूकंप है, कहीं पे आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उच्च-नीच की, शारीरिक, नैतिक, मानसिक, राजनीतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं से हम प्रतिदिन अपने जीवन में गुजरते हैं। ये सारी समस्याएं हमें प्रभावित करती हैं और हम इन समस्याओं से जूझते हैं। लेकिन एक समस्या जो है जो हर घर में हर परिवार में हम उसको फेस करते हैं व्यक्तिगत रीति से, अपने परिवारों के अंदर हम अपने खानदान के अंदर हम उन चीजों को देखने पाते हैं, वो है ना सुनना या अनसुना करना। तो ना सुनना जो है उसके दो तीन रूप जो है, पहली बात जब हम किसी बात को नहीं सुनना कहते, जब हम इस ना सुनने के ऊपर थोड़ा सा और गौर करें तो पहली बात यह है कि सुनकर अनसुना करना है ना। जब हम किसी की सुनते हैं लेकिन सुनकर भी क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। फिर दूसरा इसमें आगे बढ़ते हैं तो है कि सुनना ही नहीं है ना, एक तो सुनता है और सुनकर अनसुना कर देता है, दूसरा है उनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तीसरा जो है इसमें कि सुनने के लिए तैयार नहीं है और सुनता है, कुछ लोग हैं सुनते हैं लेकिन सुनकर मानते नहीं है। सुन तो देखा ठीक है हमने सुन लिया है और सुनकर जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोग जो हैं वो सुनते हैं मानते भी हैं लेकिन उनका जो सुनने की जो सोर्स है वो गलत है, गलत चीजें सुनते हैं, गलत लोगों की सुनते हैं, गलत लोगों की सुनकर गलत लोगों के पीछे चलते हैं। तो जब ऐसा होता है तो उसके बाद फिर वो सुनना ना सुनना जो है वो एक ही बराबर है। तो सुना तो सही लेकिन गलत तरीके से सुना जाए तो इन सब का प्रभाव जो है मनुष्य के ऊपर पड़ता है। अगर वो सुनकर अनसुना कर दे या सुने ही नहीं या सुनने के लिए तैयार ही ना हो या जो है गलत लोगों की सुने या
कुछ कुछ सुन ले, जो फायदे भी है वो सुन ले, जो जो और बातें जो जरूरी है उनको ना सुने, जो अपने मतलब की है, सिर्फ जो अपने मतलब उनको सुने और बाकियों को ना सुने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो समस्या है वो हमारे हर घर परिवार में पाई जाती है। खासकर हम अपने जब रिश्ते नातों में देखते हैं, घर में देखते हैं, तो चाहे वो माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे परिवार के लोग हो, तो आजकल कोई किसी की सुनता नहीं है। घर में आप अपने बच्चों को कुछ कहोगे तो बच्चे आपके सुनने के लिए तैयार नहीं है। जवानों की बात आगे और मैं करूंगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो है, जो अभी दूध की बोतल पी रहे हैं, अगर आप उसे मोबाइल छीन लो, मोबाइल एक लगाएंगे और दूध पीते रहेंगे, जैसे आप मोबाइल ले लोगे और कहोगे छोड़ो मोबाइल है, ऐसे ही पियो, ऐसे ही खाना खाओ, वही वहीं से वहीं रोना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मार्केट में हो तो मार्केट में मॉल में वो वहीं गिर जाएंगे, लेट जाएंगे घर वहीं पर कि हमारा हमसे मोबाइल ले लिया है, हमें कुछ डांट दिया है, हमारी बात नहीं मान रहे, कोई टॉयस हमें लेना है, कोई खाने की चीज हमें लेनी है। तो बच्चे क्या करते हैं, सुनते नहीं है, तो ये उनकी शुरुआत है। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तब जो है माँ बाप उन्हें बार बार कहते हैं पढ़ो 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 जो है, तो बच्चे पढ़कर बिल्कुल भी खुश नहीं है। पढ़ना उनके लिए एक मुसीबत बन जाती है, जबकि पढ़ना एक लाइफ में सबसे यादगार समय होता है, स्कूलिंग का टाइम है, लेकिन वही बच्चे जो है वो पढ़कर खुश नहीं होते हैं। माँ बाप कई बार समस्याएं लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, और हर घर में आजकल जो है बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, शुरू से जो है ये समस्या थी, लेकिन आजकल ज्यादा बढ़ गई जब से मोबाइल जो है घर घर का हिस्सा हो गया है। तो अब जो है बच्चों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए बहुत सारी कोशिशें माँ बाप को करनी पड़ती है। तो फिर हम जब आगे देखते हैं तो घर में अगर पति पत्नी है, तो कई बार पत्नी अगर गलत रास्ते पर चल रही है तो पति उसे समझाना चाहता है तो पति की बात को नहीं सुनती है। पति अगर गलत रास्ते पर चल रहा है, पत्नी उसे समझाना चाहती है, परिवार के लोग उसे समझाना चाहते हैं, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि उसको कोई बड़ी चोट न लग जाए, बड़ा नुकसान ना हो जाए, उसका परिवार बर्बाद ना हो जाए, तब तक जो है परिवार में वो एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हम जवानों की बात करते हैं तो जवान भी आजकल जो है वो परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार नहीं है, माँ बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने बड़ों की सुनने के लिए तैयार नहीं है, और किसी भी की ना सुनकर जो है वो अपने आप की ही सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने आप की सुनना गलत नहीं है, लेकिन बाइबल बार बार कहती है, अगर हम नीति वचन पहले अध्याय से 7 अध्याय तक पढ़ें, जो पहली कुछ आयतें वहां से शुरू होती है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, हे मेरे पितर, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा को सुनना मानना, बार बार इस बात को रिपीट किया गया है हर चैप्टर में 1 से लेकर 7 तक। कभी अपने माँ बाप की सुनना, कभी अपने परमेश्वर की सुनना, कभी मेरी शिक्षा को सुनना, कभी मेरी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, हे मेरे पुत्र या मेरी पुत्री परमेश्वर की आवाज को सुनना, बार बार इस बात को नीति वचन में समझाया गया है, बताया गया है कि हमें परमेश्वर की आवाज को, अपने माता पिता की आवाज को, अपने बड़ों की आवाज को सुनना है, क्योंकि बुद्धिमान पुत्र वही है जो माता पिता की सुनता है। बुद्धिमान पुत्र से उसका पिता आनंदित होता है, खुश होता है, पुत्री से उसका माता पिता आनंदित होते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत सारे घर परिवारों में हम देखते हैं कि बच्चे जो है या जवान जो है अपने माता पिता की नहीं सुनते हैं, अपने दोस्तों की तो 1 सेकंड में सुनते हैं, जरा बाहर आना, बाहर कोई दोस्त खड़ा होगा, जरा आना बाहर, जो है खाना भी खा रहे हो, नहीं मम्मी मैं आ गया, पापा ने, मैं जब भी अभी आ रहा हूँ, बस मेरा फ्रेंड है, जरा ना खाना तो खा ले भाई, नहीं 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 मैं पहले उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो एक उम्र ऐसी आती है जहां पर माँ बाप की नहीं सुनते हैं, अपने जहां पे जहां से अच्छी शिक्षा मिलती है वहां से नहीं सुनेंगे, लेकिन जहां से गलत चीजें मिलती हैं वहां से एकदम दौड़कर उन गलत चीजों की तरफ, गलत शक्ति से अगर आप मना करोगे तो वो आपकी हमारी नहीं सुनते हैं। अगर आपने किसी नशे से मना करोगे कि ये गलत चीजें हैं, इनको आप न मत रोज हैं, तो वो हमारी नहीं सुनेंगे। यदि हम उन्हें किसी और चीजों से मना करेंगे, गलत रास्तों पर जाने से मना करेंगे, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यही सुनना जो है वो उनके, यही ना सुनना जो है उनके लिए कई बार उनकी बर्बादी का कारण बन जाता है। जब इनिशियल स्टेज में जो है वो अपने बड़ों की बात को नहीं सुनते हैं, तो धीरे धीरे जो है वो चीजें बढ़ती जाती हैं, पाप बढ़ते जाते हैं, बुरी संगति बढ़ती जाती है, बुरी आदतें बढ़ती जाती हैं, और धीरे धीरे वो उसके पाप का, पहले उसकी जिंदगी में पाप आते हैं, और पाप का दंड क्या है,
मृत्यु है। तो सुनना ना सुनना जो है वो आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि शुरू से ना केवल आज की समस्या है, आज से भी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन शुरू से अगर हम देखते हैं तो जो ना सुनने की समस्या है वो हमेशा से ही थी, और परमेश्वर खुद इस समस्या से बड़े जूझे थे, है ना। परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम को, परमेश्वर का हृदय रोता है जब उसके लोग उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं। तो जब हम अदर की वाटिका में जाएं तो पहली चीज हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो पहला पाप आया था वो परमेश्वर की ना सुनने के कारण आया था। पहला पाप जो पृथ्वी पर हुआ वो पाप था परमेश्वर की आज्ञा को ना सुनना, परमेश्वर की ना सुनना, परमेश्वर की नहीं सुनी, लेकिन सुनी किसकी सुनी, किसकी सुनी, शैतान की सुनी। तो अच्छाई की नहीं सुनी, जो अच्छा बता रहा था उसकी नहीं सुनी, जो अच्छी चीजें दिखा रहा था, अच्छे सपने दिखा रहा था, अच्छी ब्लेसिंग दे रहा था, जिसने क्रिएट किया था, जिसने जीवन दिया था, उसकी ना सुन के, सुन किसके रहे हैं, शैतान की सुन रहे हैं। जो सांप की, सांप था, लिखा है सांप सब वस्तुओं में, सब प्राणियों में दुर्लभ था, है ना। और वो हवा के पास आया और कहा कि क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें सब वृक्षों को खाने के, सब वृक्षों के फलों को खाने के लिए मना किया? उसने कहा हाँ, कहा तो ऐसा है कि परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम सब खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के अंदर जो वृक्ष है उसके फल तुम नहीं खा सकते हो। तो हवा ने सुनी सही, सुनी तो सही, लेकिन किसकी सुनी जो है वो गलत आदमी की सुनी है। और इसलिए मैंने कहा था कि एक सुनना होता है, एक नहीं सुनना होता है, एक सुनना है लेकिन गलत सुनना है ना। तो वहां से हम देखते हैं कि पाप की शुरुआत कहां से हुई, जब परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने नहीं माना। अगर हम उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16-17 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तुम सब फल खा सकते हो, और लेकिन जो अदन की वाटिका के अंदर जो है जो फल लगाया, वृक्ष लगाया गया जीवन भलाई और बुरे का, बुरे और भले के ज्ञान का जो वृक्ष है उसको तुम मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, है ना। और 16-17 आयत में, 2 के 16-17 आयत में परमेश्वर ने बात कही, और परमेश्वर ने आदम से ये बात कही थी। 18वें आयत से देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का रहना, अकेला रहना ठीक है, उसके लिए मैं सहायक हूं। 30वें अध्याय की पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि शैतान सब प्राणियों में दुर्लभ था जो है, और आकर उसने हवा से कहा कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब प्रकार के फल खाने से मना किया? उसने कहा कि हाँ, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे करके हमें कहा है। पर उसने कहा कि नहीं, अगर तुम फल खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें, तुम ईश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। हवा ने सोचा कि अभी पता नहीं मैं कितनी अज्ञानता में रह रही हूँ, कितना मुझे परमेश्वर ने कितनी मुझसे बातें छिपा रखी हैं, सारी बातें शायद आदम ने भी मुझे नहीं बताई हैं, क्यों ना मैं इस फल को खा के देखती हूँ। परमेश्वर ने और आदम ने उसे बताया था, क्योंकि परमेश्वर उसे रोज मिलने के लिए आता था, आदम उसके साथ रहता था, आदम ने भी बताया था कि इस पेड़ का फल तुम्हें नहीं खाना है, लेकिन हवा ने कहा कि नहीं, मैं खाकर देखूंगी। क्योंकि लास्ट में भी मैंने कहा था कि जब जिन चीजों से जिस व्यक्ति को मना किया जाता है उन्हीं की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो सब फल थे, पेड़ थे, लेकिन उनकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं थे, लेकिन जो मना किया गया था वो सोचते थे कि इसमें क्या है ऐसा, है ना। हवा जब चक्कर लगाती होती है उस पेड़ के जो है, आदम कहते हैं नहीं, इसी तरह देखना भी नहीं है, तो हवा कहती नहीं चल थोड़ा आप देख तो देखो थोड़ा सा क्या है इसके अंदर जो है, परमेश्वर ने मना किया तो वो मन मार के चली जाती, लेकिन किसी ने उत्साह दिया, हवा दे दी, खाओ कुछ नहीं होता, खा सकते हो, क्या बिगड़ेगा, है ना, तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आदम ने कहा कि आज अच्छा मौका है, मेरा एक और सपोर्टर मुझे मिल गया है, मुझे सपोर्ट करने वाला व्यक्ति मिल गया है, अब मैं खा सकती हूँ। जब उसने खाया और आदम से भी कहा, आदम ने शायद मना किया, नहीं 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 ये खाओ ना, मैं तुम्हारी पत्नी, मेरी सुनोगे, पत्नी कहती मेरे पति मेरी सुनते ही नहीं है, है ना। तो आदम को भी इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा कि नहीं नहीं खाना ही पड़ेगा, मैंने भी तो खाया है, तो उसने भी खा लिया। और हम देखते हैं कि वहां से पहला पाप तब आरंभ हुआ जब उन्होंने उस फल को खाया और परमेश्वर की ना सुनकर शैतान की बात को सुना। तो ना सुनना जो है वो बहुत सारे पापों को जन्म देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में, हमारे देश में, हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं कि जो कहा जाता है उसे हम सुनते नहीं है। अगर सुनते हैं तो गलत सुनते हैं, या सुनकर उसे स्वीकार नहीं करते हैं, या जब सुन भी लेते हैं तो उसे मानने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो
पहला पाप दुनिया के अंदर इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर की आवाज को उन्होंने नहीं सुना। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि सबसे पहले परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने सबसे ज्यादा परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सबसे ज्यादा परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। परमेश्वर ने किन लोगों से बात की? ज्यादातर अपने चुने हुए लोगों से। पूरी बाइबल जो दी गई है उसका अगर पुराने नियम का 90% या 95% जो हिस्सा है वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है, अपने लोगों से बात की, अपने लोगों को समझाने सिखाने के लिए दिया है। लेकिन 95% जो है पुराने नियम में देखते हैं कि इजराइल लोगों ने सुना भी समझा भी लेकिन कभी उसको फॉलो नहीं किया, कभी सुनकर जो है परमेश्वर की आवाज को नहीं माना था। अगर हम चाहे जब मूसा ने उन्हें बंधुआई में से निकाला तब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना किया, जब वो न्यायियों की पुस्तक में आए या यहोशू उनके साथ लेकर चलता था उन्हें तब उन्होंने अनसुना किया, जब न्यायियों की पुस्तक में आए तब उन्होंने परमेश्वर की बार बार आवाज को अनसुना किया, तभी बार बार न्याय भेजे जाते थे, तभी बार बार वो गुलामी में चले जाते थे। जब हम एस्तर या अन्य पुस्तकों को पढ़ते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने काम को करता रहा, और जब हम नबियों की पुस्तक पढ़ते हैं पहला सैमुएल दूसरे सैमुएल से जब हम शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि इजरायलियों ने कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, और इस कारण परमेश्वर को उनको सुनाने के लिए बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजना पड़ा था, नहीं तो भविष्यवक्ता भेजने की जरूरत नहीं थी क्योंकि व्यवस्था इनके लिए काफी थी कि उस व्यवस्था को पढ़ते उसको समझते उसको सुनते और उसको जब उसके ऊपर चल देते। परमेश्वर ने इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था उनको दी और उन्हें मूसा ने एक एक बात जो हमको समझाई जो है कि हर चीज से रिलेटेड है, फैमिली हो चाहे किसी भी मैटर पर हम बात करें, हम देखते हैं कि व्यवस्था के विवरण की जो पुस्तकें हैं पांच शुरू की पुस्तकें हैं उनमें सब डिटेल बताई गई, वर्शिप से लेकर फैमिली से लेकर बीमारी से लेकर हर चीज को उसमें मूसा ने परमेश्वर से प्राप्त किया और लोगों को दिया, हर चीज समझाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। इसलिए यशाया नबी जो है परमेश्वर की आवाज को जब वो सुनाता है लोगों को तो बड़ा दुखी और परेशान होकर कहता है कि हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मैंने बाल बच्चों अपने किने कह रहा है परमेश्वर अपने इसराइली लोगों को, मेरे बच्चे हैं बाल बच्चे छोटे-छोटे जो हैं बाल बच्चे हमारे घरों में होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं हमारे बाल बच्चे, परमेश्वर इसराइली प्रजा को कह रहा है कि मेरे बाल बच्चे हैं और मैंने जो है इनको बढ़ाया, मैंने इनका पालन पोषण किया, मैंने इन्हें खिलाया पिलाया, लेकिन जब ये बड़े हो गए जब ये अपने पैरों पे खड़े हो गए अब ये मेरी आवाज को सुनने से मना कर रहे हैं। तो वहां पर परमेश्वर के दुख को देखते हैं, एक कराहट को देखते हैं और परमेश्वर कहता है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, यानी जानवरों में इतनी अकल है कि वो अगर उनको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो शाम को जो है एक बैल या भेड़ या बकरी जो है वो चरने के बाद जो है वापस अपने खूंटे पर अपने मालिक के घर में आ जाती है, लेकिन मेरी प्रजा के लोग मेरे चुने हुए लोग मेरे बाल बच्चे जिनका मैंने पालन पोषण किया जिनको मैंने चुना जिनको मैंने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म लिखा है कि मेरी प्रजा के लोग मुझे नहीं जानते, है ना। कितना दुख जो है परमेश्वर यहाँ अपने दुख परमेश्वर का हम देखते हैं कि लिखा है कि एक बैल अपने मालिक को और एक गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधे को हम जानते हैं कौन सा जानवर कहा जाता है ना, सबसे मूर्ख प्राणी जो है जानवर जो है गधे को माना जाता है, लोग कहते हैं कि गधा है ना। तो यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर का वचन कह रहा है कि गधा भी अपने स्वामी को की चरनी को पहचानता है परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, वो मुझे नहीं जानते, जानकर भी वो मुझे नहीं जानते और मेरे बारे में विचार नहीं करते कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या है और मैंने क्यों उन्हें रचा है, मैंने क्यों उन्हें जीवन दिया है, मैंने क्यों उन्हें अपनी प्रजा अपने निज लोग कहा है, क्यों मैंने उन्हें नबी दिए हैं, क्यों उन्हें वचन दिया है, ये लोग विचार नहीं करते हैं, इनको बिल्कुल ख्याल भी नहीं है कि कोई हमारा परमेश्वर है। हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है,
यह समाज अधर्म से कैसा बदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इसराइल के पवित्र को तो जाना है, वे पराए बनकर दूर हो गए। इतना दर्द है इन आयतों में जब परमेश्वर कह रहा है कि मेरे जो ये जाति कितने पाप से भर गई है और जो मेरे जो चुने हुए लोग हैं, चाहे वो मेरे लिखा है कि इस वंश के लोग जो है, चाहे वो मेरे ये चुना हुआ वंश है, चाहे उनके जवान हैं, हाय ये लड़के वाले कैसे बिगड़ गए हैं, उनके जवान कैसे बिगड़ गए हैं कि उन्होंने परमेश्वर यहोवा का विचार करना छोड़ दिया। आज भी अगर हम देखें समाज के अंदर, संसार के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, तो सबसे अच्छा जो काम कर सकते हैं वो जवान है, और सबसे बुरा काम भी जो कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा पहले जवान ही है। और इसलिए जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं जो है, और इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, इन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, उस परमेश्वर को जिसने सब कुछ जो है इसराइलों के लिए किया और उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उन्हें न्यायों के पुस्तकों में बड़े बड़े गुलामी से उन्हें आजाद किया, लेकिन वही लोग जो है आकर अब परमेश्वर को पहचानते नहीं है, है ना। दुख तब नहीं होता जब बाहर के लोग आपके ऊपर दोष लगाएं, आपको छोड़ दें, आपको त्याग दें, दुख तब होता है जब आपके अपने आपको छोड़ देते हैं, जब हमारे अपने लोग हमें धोखा देते हैं, जब हमारे अपने लोग हमारे बात को नहीं सुनते हैं। परिवार में अगर हम रहते हैं, अगर हमारे परिवार के लोग ही हमारी ना सुने, हमारे लोग या हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन ना सुने, तो वो ज्यादा दुख है कि मोहल्ले के लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मोहल्ले के लोगों ने या सड़क के लोगों ने हमारी बात को किसी को माना या नहीं माना, फर्क इससे पड़ता है कि जिनको मैंने पाला पोसा, जिनको मैंने बढ़ाया, जिनको मैंने सिखाया, जिनको मैंने जिनके लिए मैंने अपना अपना पसीना और लहू के रूप में बहा दिया है, ऐसे लोग जब बड़े होकर जो कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, तुम ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी, ये तो तुम्हारा फर्ज था, ये तो तुम्हारा काम था, और हम तुम्हें नहीं जानते, जो करना है कर लो, है ना। तो जब ऐसी बात सुनने को मिलती है तब ये दुख होता है कि जिनके लिए हाय ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं, हाय ये जाति कैसी पाप से भरी हुई है, हाय ये समाज कैसा पाप से भरा हुआ है, ये अपने परमेश्वर यहोवा को उन्होंने छोड़ दिया है और ये अपने परमेश्वर यहोवा की कोई चिंता नहीं करते और वो पराए होकर दूर चले गए, वो पराए बन गए, ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हमें जानते नहीं है। और इस कारण जो है परमेश्वर का दंड उनके ऊपर बार बार आता था कि तुम सिर से लेकर पांव तक जो है तुम दुखी हो, तुम बीमार हो, तुम मार खाना चाहते हो और तुम्हारा जो भाव है वो सिर से लेकर भर गए हैं, तुम्हारा हृदय भी दुख से भरा है, उसके बावजूद भी तुम परमेश्वर के पास लौटना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो परमेश्वर बार बार उन्हें चेतावनी देता है, बार बार उन्हें समझाता है, बार बार उनसे बात करता है, अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा परमेश्वर किसी ना किसी व्यक्ति से बात करता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास लौट कर आ, पश्चाताप कर, अपने गुनाहों से तौबा कर, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को, अपने परिवार की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितने पति हैं जो पत्नी की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कितनी पत्नियां हैं जो अपने पति की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं, कितने जवान हैं जो अपने माँ बाप की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कितने बेटियां हैं जो अपने अपने माता पिता की आवाज को, बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, अड़ जाते हैं और पूरा मुकाबला करते हैं कि नहीं जाए, हम जो चाहते हैं वही होगा, हम जो करना चाहते हैं वही हमारे लिए सही, और बाद में सारी जिंदगी खुद भी परेशान होते हैं और माँ बाप को भी परेशान करके रखते हैं। जब परमेश्वर के द्वारा जब माता पिता हमें दिए गए हैं तो उनकी आवाज को हम नहीं सुनते हैं, जब हमारे लिए भलाई की बात करते हैं तो फिर हमारा जो जीवन है वो पाप में और उसके दंड में हमें जाना पड़ता है। फिर हम आगे देखते हैं, जैसे मैंने बताया दूसरी बात के इतिहास में, तीसरी बात क्या देखते हैं कि ना केवल पुराने नियम में लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचनों को भी लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया। नए नियम में केवल प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होकर आए
और आकर लोगों के बीच में बड़े बड़े काम किए, उन्होंने मुर्दों को चलाना शुरू किया, अंधों को आंखें देना शुरू की, लंगड़ों को चलाना शुरू किया, लोगों ने गवाहियां सुनी, लोगों ने जो है उन लोगों को नाचते हुए देखा जो कोढ़ से पीड़ित थे, वो चंगे हुए थे, वो लंगड़े जो चल नहीं सकते थे उनको देखा। उसके बावजूद भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर तरह तरह के दोष लगाए। किसी ने कहा कि ये तो बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्माएं निकालता है, किसी ने कहा इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, किसी ने कहा कि जो है इसको ये ज्ञान कहां से आके, इसे तो हम जानते हैं, ये तो वहां का रहने वाला है, इसके माता पिता को हम जानते हैं, इसके भाइयों को हम जानते हैं, इसे ये कहां से ज्ञान आ गया, हम इसकी नहीं सुनेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के चेले भी इस बात को समझे कि यीशु मसीह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग उसकी सुन नहीं रहे, कुछ लोग जो है हमेशा उसके विरोध में खड़े हुए। तो चेलों ने आकर पूछा कि हे प्रभु यीशु मसीह, क्या कारण है कि तू हमसे दृष्टांतों में बातें करता है और सीधे सीधे बात नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमको तो स्वर्ग के राज्यों के भेद की समझ दी गई है, परंतु मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने जाएं। क्यों क्यों? क्योंकि अगर तेरहवीं आयत में पढ़े लिखा है कि मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते, है ना, देखते तो हैं लेकिन फिर भी नहीं देख रहे हैं, सुन तो रहे हैं, फिर लिखा है कि सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। मैं उनसे इसलिए दृष्टांतों में बातें करता हूँ कि वो मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरी बात को सुनने के लिए तैयार, मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं उनसे सीधी बात नहीं कर रहा, क्योंकि सीधी बात कई लोगों को समझ में नहीं आती। अगर आप सीधे उनको डायरेक्टली बात करोगे उनके समझ में नहीं, क्योंकि शायद मेरा बुरा करने के लिए, मुझे मेरा मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचने के लिए बात कर रहे हैं, मुझे कुछ गिराने के लिए बात कर रहे हैं, उनको बात समझ में नहीं आती है। आज कलीसियाओं में संसार में यही हो रहा है, एक दूसरे की बात को सुनने के लिए, अच्छी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज अच्छी बात भी आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि अपने को कहें या नहीं कहें। अगर आप अच्छी बात भी कहोगे उसका भी वो बुरा मान सकता है, और अगले 10 महीने आपसे फोन पे या वैसे बात करना बंद कर सकता है। कितने परिवारों में लोग बात नहीं करते, कितने घरों में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, चर्च तो आते हैं लेकिन आपस में बात नहीं करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन एक दूसरे को दुआ सलाम नहीं करते हैं, बाइबल के गवाहियां भी हो सकता है देते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए जो है उनके मन में दया प्रेम भावना कोई भी नहीं है। जब खड़े होंगे तो बुराइयां शुरू हो जाएंगी, जब जहां पर खड़े होंगे वहां जो है चुगली या निंदा शुरू हो जाएगी, एक दूसरे की कमियां ढूंढना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम चर्च रेगुलर आ रहे हैं, हम प्रार्थना आ रहे हैं, अपनी ऑफरिंग अपना सब कुछ हम दे रहे हैं, और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तू आराधना करने के लिए उस वेदी पर लेकर आए तो उसको वहीं रख, जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, उसके बाद आकर जो है उस ऑफरिंग को चढ़ाना, तभी वो भेंट जो है तुम्हारी कबूल होगी जब तू अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर लोगे। सुनने के लिए आज कोई तैयार नहीं है, और जब हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते तो प्रभु यीशु मसीह की भी लोगों ने जो है उस समय नहीं सुने। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि इन लोगों के विषय में इशाया ने सही कहा है कि तुम कानों से सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सोचेगा नहीं। क्यों नहीं सोचेगा? क्यों इशाया भविष्यवक्ता ने ये बात कही थी कि ये देखेंगे लेकिन ये नहीं देखेंगे, सुनेंगे लेकिन ये नहीं समझेंगे, और क्योंकि समझ में नहीं गई। क्यों बात ये उसने कही थी? इसलिए कही थी क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, है ना, मन मोटा होना चाहिए, है ना, हार्ट मोटा होने की बात नहीं कर रहा, कलेजा लिवर फैटी लिवर हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे, फैटी लिवर हो गया, हार्ट बढ़ गया किसी का जो है ना, तो कई लोग हम कहते हैं बड़े दिल वाला व्यक्ति है, ये उनों की बात नहीं है, बड़े दिल वालों की बात नहीं है, ये लिवर और हार्ट पे जो है फैटी लिवर हो गया उसकी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात है मोटे जो है हृदय की, है ना, तो फैटी लिवर है और हार्ट जो है तरह तरह की हार्ट जो है प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक उसकी प्रॉब्लम है हार्ट का क्या हो जाना, मोटा हो जाना, है ना, तो जब कुछ कोई चीज मोटी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उसको सॉफ्ट करना या उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है,
ना, अगर कोई लोहा, अगर हम मोटा लोहा ले लें तो उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हृदय भी क्या है, ऐसे कठोर हो जाते हैं। मोटा हृदय मतलब कठोर हृदय, जो सुन सुनकर परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर जो है जरा सा उसका असर होने नहीं देता, है ना। कितना ही वचन को सुनाया जाए, कितना आप माँ बाप उनको समझाएं, कितने उनकी काउंसलिंग की जाए, कितनी उनसे बातें की जाए, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को ऐसा मोटा कर लिया है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो उस हृदय को नरम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें वचन जाकर बीज की तरह उगे और वो फलवंत हो जाए। जब तक हृदय मोटा रहेगा तो दिमाग भी उस व्यक्ति का क्या रहेगा, दिमाग क्या होगा, पतला रहेगा। जब हृदय मोटा होता है, क्योंकि जो कुछ मन में होता है वही दिमाग में चलता है और वही मुंह से बाहर आता है। तो जिसका मन मोटा उसका दिमाग भी मोटा होता है, और जिसका दिमाग मोटा उसकी जुबान उससे भी बड़ी मोटी है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकता है। कहां किसको क्या बोलना है उसके बस की बात ये चीजें नहीं है। वो जो दिल करेगा, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, जहां बोलनी है या नहीं बोलनी है वो सब बोल देगा, है ना। और ऐसे मोटे दिमाग के लोगों से लोग फिर अपने आप को काटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसका पता नहीं कहां क्या बोलते, इससे दूरी रहो तो ज्यादा इसमें भलाई है। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि वो लोग जिन्होंने अपने मन को मोटा कर लिया है, क्यों कर लिया, क्योंकि वो वचन को सुन सुनकर, प्रभु की आज्ञाओं को सुन सुनकर, पढ़कर भी जो है परमेश्वर के वचन को कभी ग्रहण नहीं करते हैं। और लिखा है क्योंकि इनका, इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। देखो, चंगा होना ही नहीं चाहते, वो मन फिराव करना ही नहीं चाहते, उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर दिया है ताकि जो है हमें किसी को देखना ना पड़े। हम अपने आप में ही रहें, अपनी ही बातों में रहें, अपने ही घमंड में रहें, अपने ही ईर्ष्या में, अपने ही द्वेष में हम रहें और हम किसी से बात ना करें। हम जो है सो है, जो हम किसी से कम नहीं है, मैं नहीं कहता कोई किसी से कम है, लेकिन जब हम घमंड से भरे होते हैं तब हम कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम ये हैं और हम वो हैं और हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे में परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ना वो मन फिराएंगे ना उन्हें चंगा कर पाते हैं। चंगा आत्मिक चंगापन जो है, आत्मिक चंगाई उन्हें कभी भी नहीं मिलेगी। तो लोगों ने जो है पहले बात की जो शुरुआत हुई वो नासिने के कारण हुई। इतिहास में प्रभु के लोगों ने सबसे ज्यादा प्रभु का इनकार किया, और जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तब प्रभु यीशु मसीह की भी बातों को लोगों ने नहीं सुना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं। अगर हम पहला रोमियो का पहला अध्याय पढ़े तो देखा कि परमेश्वर ने उनको उस, जब लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहा और अपने मन को मोटा कर दिया, प्रभु की आवाज को नहीं सुना, तो परमेश्वर ने भी उनके मन के अनुसार उन्हें नष्ट होने के लिए छोड़ दिया। तो जब अनसुना करते हैं परमेश्वर के वचन को तो नष्ट होना या पाप का जो दंड है हमें मिलना शुरू हो जाता है, यानी पाप की मजदूरी हमेशा मौत है, दंड है, और वो आज नहीं तो कल आकर भी रहेगा, क्योंकि जो मनुष्य बोएगा उसे एक दिन काटना भी पड़ेगा, है ना। और यदि हम अनसुना प्रभु के वचन को, उसकी आवाज को हम अनसुना करेंगे तो ये एक पाप है। परमेश्वर की आवाज को ना सुनना, अनसुना करना और सुनकर उस पर ना चलना, ये एक पाप है। और इस पाप को जब हम लगातार करते रहेंगे तो एक दिन परमेश्वर का दंड जो है वो हमारे ऊपर आएगा। उसे लिखा है 1:28 में, रोमियो 1:28 में, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा इसलिए परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पर उन्हें छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, सो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैरभाव से भर गए, डा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा को ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। जब परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं
तो ये सारी जो शैतान की जो खूबियां हैं वो अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती हैं। ये सारी खूबियां जो है शैतान की है, डहापन, दुष्टता, लोभ, लालच, वैर भाव, ढाह, हत्या, झगड़े, छल, कपट, ईर्ष्या, अभिमान, घमंड, चुगली, औरों का अनादर करना, डींग मार करना, बुरी बुरी बातें करना, ये सब जो है हमें मिल जाएंगे जब हम प्रभु की आवाज को सुनना बंद कर देंगे, जब प्रभु के वचन को पढ़ना बंद कर देंगे तो ये अपने आप ही जो है ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। अगर हम जमीन पर पानी डालते हैं तो क्या होती है, गीली हो जाती है ना, नरम हो जाती है। अगर हम जमीन पर पानी कभी ना डालें तो वो क्या हो जाती है ना, तो पानी ना डालना जो है वो अपने आप में इसे सुखा देगा। किसी पौधे को अगर हम लेकर आ जाएं और उसे हम चाहे 500 का ले आए चाहे 1000 का लेकर आ जाएं, भाई संतोखम जो है वो पौधों का जो है काम करते हैं, अगर वो लाकर में पानी ना डालें जो है तो कितने दिन वो पौधे चलेंगे, कितने दिन रहेंगे, एक हफ्ता चल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, सूख जाएंगे। तो वचन भी हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत ही जरूरी है। आत्मिक रीति से यदि हम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं, घरों में नहीं सुनते हैं, नहीं उसकी वाणी को सुनकर ग्रहण करते हैं, तो हमारी आत्मिक जीवन की ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता हो सकती है, उसके बाद हम आत्मिक रीति से मृतक कहलाएंगे, हम आत्मिक रीति से हम मरे हुए लोग कहलाएंगे। और आज भी लोग कई बार सुनते तो है लेकिन प्रभु को ग्रहण कभी नहीं करते। जैसे मैंने बताया कि सुनने किस प्रकार का सुनना है, तो हमें अपने आप को आज देखना है कि हम किस प्रकार के सुनने वाले हैं। क्या हम सुनकर वचन को समझकर उस पर चलने वाले हैं, या सुनते हैं और शैतान आकर हमारे इस बीज को चुरा ले जाता है। सुनते तो बड़े आनंद से हैं लेकिन सुनने के बाद हम उसे भूल जाते हैं, या संसार की चिंताओं ने उस वचन को ऐसा दबा रखा है कि वो हमारे अंदर फलवंत नहीं होना चाहिए। क्या वो मार्ग के किनारे हैं जो चिड़ियों ने चुग लिया है, क्या वो पथरीली भूमि पर है जो जड़ से ना मिली जो है, या वो जो है पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, या धूप लगी जो पथरीली भूमि पर गिरा जो है और वो धूप के कारण जल गया, या वो झाड़ियों के नीचे गिरा, तो या वो अच्छी भूमि वाला है जो जो अच्छी भूमि में गिरा और उसे नमी मिली और वो उगा और 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आया। तो बीज परमेश्वर का वचन है, आगे हम पढ़ते हैं इसी अध्याय में 13 में, और कलीसिया या लोग जो आज से सुनते हैं, सुन रहे हैं, सुनेंगे, वो भूमि है जिसमें वचन बोया गया है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, यहाँ से जाते हैं, सिर्फ आना ही नहीं यहाँ बैठकर यहाँ जब हम जाते हैं, तो क्या हम अपने हृदय को नरम करके जाते हैं या अपने हृदय को कठोर लेकर आते हैं और कठोर ही अपने हृदय को लेकर चले जाते हैं। जब तक परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नम्र नहीं करोगे तो प्रभु का वचन चाहे कोई भी आकर सुनाए यहाँ पर, वो कभी वचन फलवंत नहीं होगा। जब तक हम अपने आप को नरम नहीं करेंगे, उस भूमि को हम जो है नमी देकर नहीं आएंगे, दीन नहीं करेंगे अपने आप को, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पापा ने सुन लिया तो मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, या मम्मी ने सुन लिया तो मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। सबको परमेश्वर का वचन सुनने पढ़ने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छंडे आकर यही सुने थे, जहां भी आपको अच्छा लगता है, जहां दिल करता है वहां से सुनो, लेकिन प्रभु के वचन को सुनो, क्योंकि जीवन बदलने की सामर्थ, आशीष देने की सामर्थ, चंगाई देने की सामर्थ, पापों से छुटकारा देने की सामर्थ उस वचन में है जो आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में उसके द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई और आदि में जब वो वचन जो है इस पृथ्वी पर वापस आया जो है, तो वही जो वचन था वो देहधारी हुआ और देहधारण होकर हमारे बीच उसने डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आज भी हम उस यीशु मसीह की महिमा को देख रहे हैं, वो प्रभु हमसे बात करता है, हमें सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। यदि हम भी आज प्रभु की वाणी को नहीं सुनते हैं, अपने माता पिता की वाणी को नहीं सुनते हैं, अपने बड़ों की आवाज को नहीं सुनते हैं, तो हम निश्चित पाप की ओर जा रहे हैं और पाप की मजदूरी एक दिन हमें मृत्यु का दंड जो है वो जरूर मिलेगा। और जब मरने से पहले वो सारी खूबियां शैतान हमारे अंदर ले आएगा, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़े, रोगियों में लिखे हुए हैं, और उसका प्रतिफल हमारे लिए जहर बन जाएगा,
रहेगा और दूसरों हम जहां रहेंगे वहां एक जहर का काम करेंगे, क्योंकि शैतान जहां जाता है वहां पर वो जहर फैलाता है, लेकिन यीशु मसीह का वचन उसका प्रेम जहां पर जाता है वहां पर आपसी मेल जोल भाईचारा क्षमा दया और करुणा जो है वो लेकर आता है। तो आज जब प्रभु का वचन निरंतर हमें सिखाया जाता है समझाया जाता है तो हम आज अपने हृदय को कठोर ना करें। लिखा है कि आज यदि तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, जैसा मस्सा में इसराइलियों ने किया और एक ही दिन 23,000 लोग मारे गए थे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आज दीन और नम्र होकर परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हम परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूं ना आप परफेक्ट हो, परमेश्वर से कहें कि हम सुनना चाहते हैं, हे प्रभु हे दास हे यहोवा परमेश्वर कह तेरा दास सुनता है। सैमुएल ने यही तो कहा था तीसरी बार कि हे प्रभु कह तेरा दास सुनता है। तो आज आप भी ये कहो कि हे परमेश्वर कह मैं सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ और मुझसे बात कर, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। जब हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, हमारी आशीषें हमारी बरकतें हमारे जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा और जिसके साथ परमेश्वर खड़ा है उसे कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। जो प्रभु की सुनता है वो दुनिया में फिर किसी की फालतू बात को नहीं सुनता है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे गुलाम यीशु मसीह एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो वचन बोए गए हैं वो सो गुना फल लेकर आए। पिता मैं इसे बोलने वाला या सुनाने वाला ना हूँ या हम सब इसे सुनने वाले ना हो बल्कि इस पर पिता परमेश्वर अमल करने वाले हों, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले हों, ऐसी दया आप सब पर कर। हे पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आप सबों को जय मसीह।